कोरोना महामारी के दौर से जहां छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के लिए अब रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो रहा है, अगर देखा जाए तो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की कीमतों में जहां लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं मूल्यों में बढ़ोतरी होने के कारण आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है, जिसके कारण व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो रहा है। जबकि सब्जी का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी श्याम बिहारी प्रजापति के द्वारा बताया गया कि अब तो बाज़ार में लोग सब्जी भी खरीदने बहुत कम आते हैं, जिसके कारण इन सब का व्यवसाय मंदा होने के कारण आजीविका चलाना भी मुश्किल हो रहा है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से रोहित प्रजापति की खास रिपोर्ट। चलो, लॉकडाउन के कारण जो विगत दो महीने लॉकडाउन था, इसमें आप लोगों की दुकानदारी क्या स्थिति थी और आजीविका कैसे चल रही है? दुकानदारी 25% है। अब आजीविका भाई किसान है, ये कुछ गल्ला पल्ला मिल जाए, बस 2-4-5 किलो थोड़े कोटेदार से घरे किसानी किसानी में अपन गुजार बना भाऊ का, यानी व्यवसाय जो है बिल्कुल चौपट है। 25% यानी 75% माइनस। कस्टमर घर से निकल ही नहीं पावा था, तब कर का करें देर के मारा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उमा शंकर शुक्ला। कोरोना काल के बाद से जो है अब दुकानदारी कैसी चल रही है? अब कोरोना काल के बाद जो है अब दुकानदारी नहीं है, हर चीज़ महंगा हो गया है, तो ग्राहक जो है कहाँ से लेंगे। तो आप लोगों की आजीविका कैसे चलती है? आजीविका क्या है, जैसे वैसे चला रहे हैं किसी तरीके, अपनी रोटी जो रोजी रोटी चला रहे हैं और बाकी कुछ आ रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम श्याम बिहारी प्रजापति। बस यही सब चीज़ का व्यवसाय करते हैं, बस यही हमारा व्यवसाय।